गैस कैसे हो आप लोग दोस्तों, मैं हूं कृष्णा। आप देख रहे हैं इंडस्ट्री मेकर सेल्फ यूनिक। क्या आपको पता है कि इंडस्ट्री में कैसे काम होता है? जो आप सीखते हो तो आपको क्या लगता है कि केवल वही सफिशियंट होता है इंडस्ट्री में काम करने के लिए? नहीं, इंडस्ट्री में काम करोगे तो बहुत ढेर सारी चीजों का डिटेल नॉलेज होना चाहिए। ऐसी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनकी मैं कंप्लीट सीरीज बना रहा हूं 10 वीडियो का, ठीक है? जरूरत पड़ी तो हो सकता है 11-12 भी हो, मैं कोई कैलकुलेट नहीं किया हूं, बट मेरा मानना है कि 10 वीडियो में मैं समराइज कर सकता हूं कि इंडस्ट्री की कौन कौन सी नॉलेज हम स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। बहुत डीप में बताऊंगा आरसीसी की ड्राइंग्स को कैसे चेक करते हैं, एलिवेशन की ड्राइंग को, सेक्शन की ड्राइंग्स को, वर्किंग ड्राइंग को कैसे चेक करते हैं कि वो सही है कि नहीं, अब उसमें क्या क्या करेक्शन होने चाहिए, ये सारा डिटेल्स 10 वीडियो में स्टार्ट कर रहा हूं। ये सारे वीडियोस के जो स्टडी मटेरियल्स हैं, ऑल इन वन का जो अपना कोर्स है यूनिक सिविल का, सबको पता है, उस कोर्स में मैं इसका स्टडी मटेरियल अपलोड कर दूंगा, आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी लोग यूनिक सिविल के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, और वीडियोस भी मैं ऑल इन वन कोर्स के अंदर डालूंगा और साथ ही साथ यूट्यूब पे भी डालूंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, समझते हैं कि स्पेशल सरप्राइज जो आपके लिए है कितना बेहतरीन हो सकता है, समझते हैं पहले इस चीज को। हाँ, समझने से पहले मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आप सबके लिए कर रहा हूँ, इसमें मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है। मैंने एक जॉब्स गाइड करके चैनल बनाया हुआ है, आप लोग को डेली उसमें ओपनिंग्स दे रहा हूँ, तो मुझे चाहिए आपका लॉट्स ऑफ सपोर्ट, ठीक है? अगर आप सपोर्ट करोगे तभी मैं ढेर सारी ओपनिंग सर्च करूंगा, अपना टाइम यहाँ पर सही तरीके से इन्वेस्ट कर पाऊंगा। तो गाइज, अगर आप लोगों ने जॉब्स गाइड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे लिए कर लो, वैसे ये मेरे लिए नहीं है, आपके लिए है, क्योंकि ऑफकोर्स अगर आप अप्रिशिएट करते हो तो मैं आपके लिए एमएनसी की जॉब लेके आया, ओपनिंग्स लेके आया, हर जगह से बीम की स्ट्रक्चर्स की ओपनिंग्स खोज खोज के लाता हूँ। सो जाइए पहले जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब करिए। ओके, अब थोड़ा समराइज करते हैं कि हम लोग क्या क्या समझने वाले हैं इसके अंदर, मीन्स जो हमने स्पेशल यहाँ पर अगर इंडस्ट्री नॉलेज सीखने जा रहे हैं तो क्या क्या सीखने जा रहे हैं। तो इसमें स्पेशल हम लोग जो सीखेंगे वो सीखेंगे कि आरसीसी की ड्राइंग्स में क्या क्या चेकिंग करनी चाहिए, आज का टॉपिक भी यही है। ये चेकिंग उनके लिए भी हेल्पफुल है जो 3D मॉड्यूलर हैं, बीम में काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर स्ट्रक्चर की ड्राइंग आई तो चेक करना पड़ेगा ना कि आपके लिए एकदम परफेक्ट है कि नहीं, और उनके लिए भी यूजफुल है जो स्ट्रक्चर की ड्राइंग क्रिएट करेंगे। क्यों? चेकिंग पता है कि क्या क्या चेक होने वाला है तो उसी हिसाब से ड्राइंग को तुम क्रिएट करोगे, तो ये दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिस्कस करने वाला हूँ। इसके अलावा स्टेयरकेस के डिटेल्स को डिस्कस करने वाला हूँ, एलिवेशन के डिटेल्स को, सेक्शन के डिटेल्स को, फ्लोर प्लान्स के डिटेल्स को, और अभी कुछ और चीज़ें हैं जैसे कि अभी सिंबल्स मैं क्रिएट कर रहा हूँ, पूरा नहीं हो पाया है, कई सिंबल्स होते हैं ड्राइंग के अंदर, उन सिंबल्स को पढ़ के हमें डिटेल एक्सप्लेन करना पड़ता है कि भाई ये कौन सी ड्राइंग्स है और इस ड्राइंग में क्या बताया गया है, और भी कई ढेर सारी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे करके लाऊंगा। लगभग 10 वीडियो का सेक्शन बना रहा हूँ, होप आप लोग इसको सपोर्ट करोगे और समझ पाओगे कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। गाइस, इसको इंडस्ट्री में 3-4 साल काम करने के बाद ही लोगों का ये क्लियर नहीं हो पाता है, और आप फ्रेशर लेवल पे ये चीज़ क्लियर कर पा रहे हो। चलिए शुरुआत करते हैं, आज का पहला जो मैंने टॉपिक उठाया हुआ है वो उठाया हुआ है आरसीसी ड्राइंग का, आगे मैं एक एक टॉपिक्स उठाता जाऊंगा। ये सारे पीपीटीज जो भी पीडीएफ्स हैं ये ऑल इन वन कोर्स के लास्ट सेक्शन में आप देखना, वहां से डाउनलोड हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन, आप सबको पता है यूनिक सिविल में यहाँ पर फ्री स्टडी मटेरियल है ना आपके ऐप पर, वहाँ जाके आप इन पूरे स्टडी मटेरियल्स को डाउनलोड कर सकते हैं, बट मैं एक एक करके दूंगा, रीज़न ये रहेगा, फिर उससे हिसाब से ही आप लोग उसको देखोगे और समझोगे, अदरवाइज को अरे रख लिया फिर खोलोगे नहीं, मुझे पता है। चलिए एक और चीज़ करना चाहूँगा, कुछ बच्चे हैं जो कि ऐप को जब डाउनलोड किए हैं यूनिक सिविल एप्लीकेशन को, तो वहाँ पर पूछता है कि एज अ पेरेंट एज अ स्टूडेंट, तो गलती से कुछ बच्चों को नॉलेज नहीं होता है तो वो क्या करते हैं एज अ पेरेंट कर दिए हैं, तो उनको ऐप पर कोई स्टडी मटेरियल नहीं मिल पाएगा, कुछ भी नहीं मिल पाएगा। सो बेटर है कि ये लोगों, ये देखो कौन कौन है, अतुल है, पिंटू है, सुयन, ये सब के नाम आप देख लो, ये लोग अगर आप में से कोई हैं तो आप क्या करिए, मैं यहाँ से आपको रिमूव कर रहा हूँ ऐप से, तो बुरा मत मानना कि रिमूव कर रहा हूँ, क्योंकि वही एक ऑप्शन होता है, आप फिर से जिसे लॉग इन करेंगे तो एज ए स्टूडेंट कर दीजिएगा। जिगर है, आलोक है, संजय है, इमरान है, आशिक है, मनीष है, वर्षाली है, स्वामी है, रवि है, चैतन्य है, और आप लोग देख लो अपने अपने नाम्स, काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, लगभग 100 कुछ लोग हैं। तो अगर आप लोग इसमें से हैं तो आप फिर से ऐप को डाउनलोड करके, ऐप डाउनलोड ही होगा, फिर से रजिस्टर कर लीजिए, एज अ पेरेंट मत करिएगा, एज ए स्टूडेंट करिएगा। नए लोग जो भी डाउनलोड करें एज ए स्टूडेंट करें, एज अ पेरेंट ना करें, नहीं तो फिर क्या होगा कि आपको कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ यहाँ पर आप हो जाओगे बस, ठीक है जी। चलिए अब समझते हैं क्या क्या हमें यूनिक सिविल के अंदर क्या क्या हमें आरसीसी की ड्राइंग्स में चेक करना चाहिए। सबसे पहली चीज, आरसीसी की ड्राइंग जब भी कभी देखते हैं तो सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, चेक आरसीसी ड्राइंग्स विथ रिस्पेक्ट टू आर्किटेक्चर ड्राइंग्स। जो आपका आर्किटेक्चर ड्राइंग है वो तो आपके पास ही होगा, मीन्स प्लान आपके पास ही होगा, उसके हिसाब से क्या सूटेबल है क्या वो सारे बीम के सेक्शन जो हमने प्रोवाइड किए हैं आरसीसी स्ट्रक्चर में,
क्या वो कॉलम्स उस जगह पे है, क्या कहीं वो कॉलम दूसरे जगह पे आ गया, और दूसरी जगह तो ठीक है, वो प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट करेगा हमारे आर्किटेक्चर ड्राइंग को। क्यों? क्योंकि आर्किटेक्चर ड्राइंग तो आउटपुट है ना, सामने वाले क्लाइंट को तो आर्किटेक्चर ड्राइंग से मतलब है। तो हमें मैच करना चाहिए दोनों को, क्या उससे मैच कर रहा है कि नहीं, पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज, चेक ऑल कॉलम पोजीशन। कॉलम का पोजीशन जो है वो आपके जो आर्किटेक्चर व्यू है उसको खराब तो नहीं करेगा। इसीलिए देखो कभी भी, तो जब भी कॉलम डाले जाते हैं, कॉलम कैसे डालते हैं, उसका हमेशा विड्थ कम रखा जाता है, 230, 300 इतने में। क्यों? जिससे वॉल के साथ वो मिल जाए। अगर आरसीसी कॉलम का विड्थ जो है वो 450 कर दोगे, करते हैं जरूरत पड़ने पे, और 550 कर दोगे तो क्या होगा, कमरे के अंदर पूरा कॉलम घुस के चलाएगा। तो ये हमें देखना पड़ता है, रूम के साइजेस क्या सफिशियंट है एज पर आर्किटेक्चर ड्राइंग्स, जो भी ड्राइंग हमने क्रिएट किया था उसके हिसाब से। रिस्पेक्टिव बीम लेआउट्स अवॉइड द डिस्प्लेसमेंट, मीन्स ऐसा कोशिश करना है कि जहां से वॉल जा रही हो वहीं से आपकी बीम हो जाए, बट जरूरी हर जगह पे हो। आपको चेक करना है कि ऐसा हुआ है क्या, अगर है तो वेल एंड गुड। चेक करना चाहिए संगीन पोर्शन को कि आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग से क्या टॉयलेट वहीं पर दिया हुआ है, टेरिस के लिए जो भी स्लैब दे रहे हो वहीं पर दे रहे हो, ड्राई टेरिस वहीं दे रहे हो जहां पर हमको चाहिए, वो आर्किटेक्चर डिजाइन से मैच करना चाहिए। ये सारी चीजें बहुत कम लोगों को पता होता है। जो इन सब चीजों को जानता है, वो जो स्ट्रक्चर की ड्राइंग बनाता है, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाता है। चलिए, चेक वेदर बीम्स फॉर संकेन पोर्शंस आर फ्लस और नॉट। ठीक है, वहां फ्लस के लिए अगर कुछ दे रहे हो, संकेन स्प्लेसले बना रहे हो, वहां कुछ बीम्स का सपोर्ट दे रहे हो कि नहीं, अगर दे रहे हो तो डेफिनेटली वो स्ट्रक्चर आपका थोड़ा अच्छा होगा। चेक पॉसिबिलिटीज टू प्रोवाइडिंग स्लीव्स एंड ड्रेनेज आउटलेट्स। क्या ड्रेनेज वगैरह के लिए वहाँ पे सिस्टम्स कुछ है क्या, कि मतलब जैसे क्या होता है कि कभी एक बीम पड़ गई आपकी नीचे से, अब उस बीम को होल करके ड्रेनेज करना वो ठीक नहीं है, तो क्या उसके आसपास कहीं से ड्रेनेज का पॉइंट्स निकाल सकते हैं क्या, वो हमें चेक करना चाहिए। चेक बीम डेप्थ सो एज पर अचीव इनलेट लेवल्स एज पर पॉसिबल। जहाँ जिस लेवल पे हमको बीम चाहिए और बीम का जो डेप्थ है वो उतना ही है जितना हमारे लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, कहीं हमारे आर्किटेक्चर व्यू को तो नहीं खराब कर दे रहा है। ये सारी चीज़ों को आरसीसी ड्राइंग के अंदर चेक करना चाहिए। प्लस अगर बना रहे हो ड्राइंग तो बीम का डेप्थ उसी के अकॉर्डिंग दो, बीम का विड्थ भी इसी के अकॉर्डिंग दो। एज पर पॉसिबल अवॉइड बीम्स इन लिविंग एरियाज। लिविंग एरिया में बीम अगर आ जाती है, सपोज अभी मैं इस रूम में बैठा हूँ, एक बीम बीच से क्रॉस हो जाए, वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो जरूरी नहीं है कि कभी कभी ऐसा होता है कि करना ही पड़ता है, बट कोशिश करो कि अवॉइड करो उसको। डाइनिंग में भी अगर आपकी बीम जा रही है ठीक नहीं है, पैसेज एरिया में भी बीम न जाए, इंट्रेंस लॉबी एरिया में भी बीम न जाए, ऐसा कोशिश करो। खासतौर से लिविंग और डाइनिंग रूम में तो बिल्कुल न जाए, इसका पूर्ण प्रयास करना चाहिए हम लोग को। बीम ऐसे ड्रॉ करो, बीम का डेप्थ इतना लो कि पास हो जाए, उसी कॉर्नर से बीच से आने की जरूरत न पड़े। और आए तो फिर कैसे करो कि वहां पर हिडन बीम वगैरह दे दो, वो एक डिफरेंट पॉइंट है, करना पड़ता है, आप सबको पता है, मैंने बताया है। फॉर पार्किंग एरिया चेक बीम डेप्थ, गेट मिनिमम रिक्वायर्ड पार्किंग हाइट एज पर बायलॉज। ठीक है, अब पार्किंग आपके एरिया में, पार्किंग जो है वो पार्किंग का अलग अलग स्टैंडर्ड होता है कि बायलॉ के अकॉर्डिंग, कहीं पर कई जगहों पे पार्किंग 8 फीट तक क्या बोलते हैं वो रेसिडेंशियल बिल्डिंग में आता है, 8 फीट के ऊपर करोगे तो कॉमर्शियल में आ जाएगा। तो कोशिश करो 8 के नीचे ही रखो, क्यों, उससे क्या फायदा होगा, आपका जो बिल्डिंग है कॉमर्शियल की जगह रेसिडेंशियल में आ जाएगा, इससे क्या फायदा होगा, बिल्डिंग जल्दी सेल होगा। क्यों भाई, बिजली का बिल रेसिडेंशियल का कम होता है, कॉमर्शियल का ज्यादा होता है। पानी का बिल रेसिडेंशियल का कम होता है, सॉरी हाँ, रेसिडेंशियल का कम होता है, कॉमर्शियल का ज्यादा होता है। उसके साथ ही साथ जो बिल्डिंग का जो टैक्स लगता है, कॉमर्शियल का ज्यादा लगता है और रेसिडेंशियल का कम लगता है। इसलिए आपके एरिया में पार्किंग एरिया का हाइट कितना अलाउ है बाई लॉस के अकॉर्डिंग, उतना ही है क्या कि सामने वाले ने डिजाइन करते हम ध्यान नहीं दिया, सीधे सीधे तीन तीन तीन, हम लोग भी तीन तीन नहीं लेकर चले जाते हैं। जब हमें सामने वाला क्लाइंट बताता है कि सर हमें इतना चाहिए पार्किंग, तब हम लोग उस हिसाब से डिजाइन करते हैं। तो इस चीज का आपके दिमाग में होना चाहिए तो आपका ड्राइंग अच्छा बनेगा। चेक द बीम डेप्थ, टेरिस बीम्स डेप्थ विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेशन। कहीं हमारे एलिवेशन को तो नहीं खराब कर देगा डेप्थ, कैसा है, एक बहुत अच्छा सा एलिवेशन बनाया, डिजाइन बनाया हुआ है, उसके नीचे एक बीम लटक रही है और बीम दिख रही है सामने से, कैसा लगेगा, गंदा लगेगा। तो आपको ये देखना है कि वहां के अकॉर्डिंग कितना डेप्थ रिक्वायर्ड है, तो ऐसा डिजाइन बनाओ। अगर मान लो डेप्थ उतना पक्का ही है तो ऐसा डिजाइन आर्किटेक्ट को सजेस्ट कर सकते हो, यार कुछ ऐसा बनाओ कि ये डिजाइन कवर हो जाए। मैं ऐसा कई बार कर चुका हूँ कि जैसे मेरी बीम लटक ज्यादा आ गई है, थिकनेस डेप्थ ज्यादा आ गया है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सामने का ऐसा पोर्शन डिजाइन करवा देते हैं आर्किटेक्ट को बोल के, हमारा आर्किटेक्ट अपना ही रहता है, तो ऐसा बोल देते हैं कि उस हिसाब से वो छिप जाता है और अच्छा लगता है। इस चीज को ध्यान देना पड़ता है। मिनिमम चेक अ मिनट डिटेल्स ऑफ एलिवेशन सजेस्ट छज्जास, लेज, कॉर्निस,
इफ एनी, ये सब का डिटेल्स आपको देखना चाहिए। ओवरहेड टैंक, वाटर टैंक हाइट एंड ऑल डाइमेंशंस एज पर कैपेसिटी। आपका जो वाटर टैंक है क्या वो झेल पाएगा कि नहीं आपके स्ट्रक्चर्स के ऊपर, अगर वो आता है तो कहीं स्ट्रक्चर को इफेक्ट तो नहीं करेगा, तो उस हिसाब से आपको हाइट देनी चाहिए। इसको आप एक्सेल सीट से भी कर सकते हो, अदरवाइज लोड चेक करने के लिए आप स्टैंड बोर्ड भी यूज कर सकते हो। चेक पैर गोल्स, कंसिडरिंग द बीम डेप, चेक फॉर आरचीव, ये सारी चीज़ों को चेक करना चाहिए। और साथ ही साथ आपको मार्क करना चाहिए उन एरियाज को, जैसे अगर आपने रैंप यूज किया हॉस्पिटल वगैरह में, स्लैब यूज किया है, और टेंडर मोमेंट कहीं पर शो किया है, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो उनको क्या कर दो, ऐसे मार्क कर दो। देखा होगा आपने गोला सा मार्क करके, डिटेल ए, डिटेल बी, डिटेल सी, इस तरीके से। तो ये है आरसीसी की मोस्ट इंपॉर्टेंट चेकिंग्स, जो कि हमने आज के इस पहले सीरीज में, मैंने आप पहला वाला छोटा रखा, रीजन ये था कि अभी धीरे धीरे आपको समझ आएगा कि हाँ यार, और बड़े वीडियोस देखने से हमारा ही बेनिफिट होगा। आप लोग का सपोर्ट रहा तो मैं जल्दी से जल्दी ये सारी चीज़ें लेके आने वाला हूँ। क्या क्या लेके आने वाला हूँ, मैं आपको वर्किंग ड्राइंग्स कैसे बनती है उसका फुल डिटेल समझाने वाला हूँ, जो शायद नेक्स्ट वीडियो में यही रहेगा, चेकलिस्ट रहेगा पूरा का पूरा। ऐसे और भी बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि प्लान्स में कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। तो अगर आप लोग सपोर्ट करते हो तो जल्दी से जल्दी ये सारी चीज़ें कवर होंगी। और हाँ, अगर आप लोगों ने ये चीज़ भूलना मत, रजिस्टर्ड जो लोग यहाँ पर पेरेंट में हैं, मैं इनको अनइंस्टॉल कर रहा हूँ, आप लोग फिर से इंस्टॉल कर लीजिएगा। दूसरी चीज़, जिसके पास भी ऐप नहीं है, क्योंकि स्टडी मटेरियल ऐप पर ही मिलेगा, तो यहाँ पर स्टडी मटेरियल, फ्री स्टडी मटेरियल का सेक्शन है, आप सबको पता है। यहाँ पर जाओगे तो अलग से सेक्शन रहेगा इंडस्ट्री नॉलेज करके, उसमें आप डाउनलोड कर लीजिए। और रमजान का महीना चल रहा है तो इस समय हैप्पी रमजान अगर कोड यूज़ करते हैं, जब तक रमजान है तब तक के लिए हमने 40% हर एक कोर्स पे ऑफ रखा है। ऑलरेडी फीस कम है, बट अभी रमजान का एक अच्छा महीना चल रहा है, तो आप लोगों के लिए छोटा सा गिफ्ट है मेरे तरफ से। तो जाइए प्ले स्टोर पर, फटाफट यूनिक सिविल के ऐप को डाउनलोड करिए, साथ ही साथ हमें मोटिवेट करिए ऐसे अच्छे काम के लिए कि हाँ, हम इंडस्ट्री की चीज़ों को आपके सामने ला सके। क्यों, उससे आपको आपके माइंड का ग्रोथ बढ़ेगा, आप ड्राइंग्स को और एक्यूरेसी के साथ बना पाओगे, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस। जय हिंद, जय भारत। नीचे सपोर्ट करने के लिए आप अपना कमेंट करना ना भूले। अगर इंडस्ट्री नॉलेज में कोई आपको भी लगता है कि सर मुझे इस चीज़ का नॉलेज इंडस्ट्री का नहीं है, तो नीचे कमेंट करो, हम उसको इसके अंदर एड सॉल्व कर लेंगे। 10 हमने बोला है, बट ये कोई वो नहीं है कि चेक साइन कर दिया 10 का, थोड़ा ऊपर नीचे आपको लगेगा और पॉइंट्स तो हम ऐड कर देंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।